गणित में मिली सप्लीमेंट्री, आपको बता दें रिटोलिंग में 7 की जगह 60 नंबर मिले, अब 12वीं की छात्रा बनेगी लैपटॉप की हकदार। खबर शिवपुरी से, जिले के बामौर कला कस्बे में रहने वाली एक 12वीं छात्रा सिद्धि पिता विवेक गुप्ता को बीते 24 अप्रैल को घोषित किए गए रिजल्ट में गणित विषय में सप्लीमेंट्री आ गई। मानसिक रूप से परेशान हुई छात्रा के अन्य सभी विषयों में अच्छे अंक आए थे, इसलिए उसने अब रिटोलिंग करवाई तो गणित में उसको दिए गए 7 अंक की जगह 60 अंक हो गए। इतना ही नहीं, वो छात्रा पूरक का फॉर्म भी भर रही थी, वो अब लैपटॉप की हकदार हो गई है। सिद्धि गुप्ता पुत्री विवेक गुप्ता ने बताया है कि मैंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बामौर कला में दी, मेरी तैयारी अच्छी थी इसलिए मैं रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी गणित में सप्लीमेंट्री आई है तो मैं बहुत अपसेट हो गई। इतना नहीं, सिद्धि का पूरा परिवार भी मानसिक तनाव में आ गया, क्योंकि अन्य विषयों में सिद्धि के हिंदी में 91, अंग्रेजी में 75, गणित में 27 और फिजिक्स में 79, केमिस्ट्री में 91, बायोलॉजी में 56 मार्क्स आए थे। इस तरीके से रिजल्ट में सिद्धि के कुल 500 में 363 अंक आए। सिद्धि ने बताया है कि मेरे टीचर ने कहा था कि रिटोलिंग का फॉर्म भरने के साथ ही सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भर देना। उनकी बात मानकर सिद्धि ने पूरक परीक्षा का फॉर्म भी भर दिया, जिसमें गणित की परीक्षा आगामी 10 जून को निर्धारित की गई है। लेकिन इससे पहले ही रिद्धि की जो रिटोलिंग का परीक्षा आया और गणित की कॉपी में 7 की जगह 60 अंक मिले। इस तरीके से अब सिद्धि के कुल 416 व परीक्षा परिणाम का प्रतिशत 83 हो गया है, तो लगातार अब उसको अच्छी सफलता मिली है। 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप मिलता है और अब सीधी लैपटॉप की हकदार हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मैं बामौर क्लास से हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का खाद का बिजनेस है, फर्टिलाइजर्स। आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ। और इंटर में आपके साथ एक घटना घटी है 12th के एग्जाम में, हाँ। इसके बारे में क्या कहना है? मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है कि जब मेरा रिजल्ट आया, मैं बहुत शॉक थी कि 7 नंबर, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ना मैंने ना मेरे टीचर्स ने, इवन फैमिली ने तो किए ही नहीं थे। आपने पढ़ाई में कितनी मेहनत की थी और मेहनत मुझे खुद से उम्मीदें इवन इससे भी ज़्यादा थी, बट ठीक है रिजल्ट जो होता, बट 7 नंबर तो फेल ही होता या बिल्कुल, हाँ मैथ्स में 7 नंबर और अभी मेरे 60 नंबर हैं। नहीं, जब आपके 7 नंबर आए, आपने रिजल्ट देखा, उस समय आपको कैसा लगा, अपने अंदर से कैसी फीलिंग्स निकली? आई कांट टेल यू। मैं अपनी बुआ के घर थी और मुझे उम्मीद ही नहीं थी इस तरीके की रिजल्ट की, बट ठीक है। अब इतना मेंटल प्रेशर था, सबके कॉल्स भी आ रहे थे बैक टू बैक टीचर्स के, और ये मुझे कहने में तक इतनी हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस तरीके के मार्क्स। आपको कभी बुरे ऐसे थॉट्स आए होंगे कुछ गलत करने के? इस तरीके के थॉट्स तो मन में आते जाते रहते हैं, बट वही है ना कि टीचर्स का मेन सपोर्ट है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया है हर टाइम पे कि ये फैमिली का तो था ही, उसके साथ टीचर्स का भी था। फैमिली और टीचर्स इस जर्नी में उन्हें डे वन से मुझे सपोर्ट किया है। फिर आपने आगे क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए रीटोटलिंग के लिए? रीटोटलिंग के लिए मुझे मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया है कि 15 दिन के अंदर आपकी कॉपी आपके घर आ जाएगी, बट उसमें भी 1 महीना लग गया। तो उसके बाद क्योंकि टीचर्स को तो बिल्कुल विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट मुझे भी था। 10th में आपकी कितनी परसेंट बनी? 10th में मेरी 90% आई थी। तो आपको उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा रिजल्ट आए? और 60 से 7 नंबर आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस, और बस यही कहूँगी। एक्चुअली और फिर आपके नंबर में सुधार हुआ है? मेरे नंबर में सुधार हुआ है, 1 महीना लग गया है, और इस 1 महीने के बीच कितनी सारी चीज़ें हुई वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ये आपके साथ ऐसा हुआ है और ऐसा और अन्य बच्चों के साथ भी हुआ होगा तो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि मेंटल प्रेशर के साथ साथ लोगों के ताने और ये सब तो था ही साथ में। मध्य प्रदेश शासन को क्या संदेश देना? मैं यही बोलना चाहूँगी कि डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं 7 से 60 में कितना डिफरेंस है, तो ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इसमें मेंटल प्रेशर कितना था, मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई है, तो इसलिए बस एक ही है माध्यमिक शिक्षा मंडल से कि ये गलती दोबारा ना हो, और मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। इस गलती में आप किसको दोषी मानते हैं? मैं उस टीचर को, उस
चढ़ाने वाले को जिसने मेरे साथ ये गलती की है और इसकी वजह से मुझे फेल तक होने की नौबत आ गई थी, तो ये चीज़ तो है।